अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि आज हम पहुंचे हुए हैं किले पे। ये जो किला है हमारा, ठीक है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का किला है। ये मुल्तान की सबसे कदीमी और पुरानी जगह है, ठीक है। इधर बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, जैसे कि ये शाहरुख ने आलम का किला, उसके अलावा ये दमदमा, ये सब इधर ही मौजूद है। आज सब आपको सारे के सारे विजिट करवाएंगे। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं। भुट्टा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी, आपने हमारे ऊपर भी कैमरा मारा है। हाँ, आप मौल साहब, यार कोई बात नहीं होती ना मौल साहब, हाथ ला दो। बात तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार, ये कैसे हो रहा है भाई? मैंने क्या कर दिया इब? क्या करा है भाई मैंने? तो क्या करा? माफ किया आप। मुल्तान का इस टाइम जो वेदर है ना, आय हाय 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 हाय, जो वेदर है इधर मुल्तान का, सख्ती वेदर है। क्या कहना चाहोगे मुल्तान के वेदर के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि आज बस दिल भाग भाग हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है ये मौसम देख के, और मजा ही मजा आ गया, यकीन करो। यहाँ ये वाली मखलूकें भी होती हैं। आदिल भुट्टा, इसको गाय छोड़ के आओ, ये आपके रिश्तेदार है। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं कुछ 5 मिनट में किले पे, तो उसके बाद फिर अंदर दुआ शुआ करेंगे, और उसके बाद फिर दुआ करने के बाद फिर दुआ करेंगे, फिर बाहर निकल आएंगे। सही है कि एंट्रेंस है यहाँ पे, चेकिंग होगी, उसके बाद फिर चेकिंग के बाद फिर हम अंदर जाएंगे। अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा एंटर हो रहा था वो, हाँ, ये किला का दरवाज़ा है फर्स्ट, इससे एंटर होंगे। यहाँ हम रखेंगे अपनी शूज, ये पर्सी है, काम करो, घर पे जा रहे हैं वापस, इधर आ जाओ भाई, इधर आ गए, हम इनको शूज देंगे अपने, क्योंकि हम विदाउट शूज अंदर जा सकते हैं, शूज के साथ जाना मना है ना भाई। इधर आ जाओ आदिल भुट्टा साहब, शूज दे दो यार, सारे इधर शूज जमा करा दो, शूज जमा करा दो। ये है मुल्तान का किला बहाउद्दीन ज़िक्रिया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये एक कदीमी लोकेशन है हमारे पूरे मुल्तान की, और मशहूर लोकेशन है। अभी हम जा रहे हैं अंदर दुआ करने, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का कैसा माहौल है। पहले अंदर जाएंगे फिर चक्कर मारेंगे। बूटा वो हमने मांग ली है, अब हम जा रहे हैं बाहर। और बाहर मैं ना आपको चारों तरफ का इसका व्यू दिखाता हूँ कि किले का जो चारों तरफ का व्यू है वो कैसा है। माशाल्लाह मुल्तान का जो वेदर है ना इस टाइम, वो बहुत लग्जरी हुआ हुआ है, ठीक है। ये मेरे कुछ फैक्ट्री के कोलीग मिले, बैकअप करके तो आप भी आ जाए। कोई पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इतनी ऊंचाई पे है कि जैसे हमें पूरा मुल्तान नजर आता है, और वो मुल्तान कैसे पूरा नजर आता है वो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ओ, नुक्कड़ पे चढ़ गए हम,
उसके बाद फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा मुल्तान। आयल भुट्टा साहब, आप काफ़ी टाइम बाद किले पे आए, आपको कैसा लगा? यार मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये हमारी एक कदीमी जगह है, हमारे बड़ी पुरानी जगह है, यहाँ हमें आना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, नेक बुजुर्ग हैं, यहाँ आके हमें दुआ करनी चाहिए, अपने लिए मांगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नेक हस्ती है, नेक हस्तियों के सबके आप लोग मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अता ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये किले का व्यू है बैक साइड का, ये इसकी बैक साइड है। ये इधर एक मस्जिद है, बगैर ये एक इसका गेट है। इधर से हम आपको दिखाते हैं मुल्तान का बैक व्यू। आपको याद है हम इस छत पे क्रिकेट खेला करते थे? मेरा दिमाग था ये इस छत पे ना, मैं आदिल भुट्टा को छक्के लगाया करता था। ऐसे तो नहीं होता है, यकीन करो। फिर धूप ज्यादा पड़ना शुरू हुई, उसके बाद ना ये छत बिल्कुल टेढ़ी होना शुरू हो गई और हमने फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। बहुत मजा आता था हमें यहाँ। नहीं ये मुल्तान नहीं है लाला जी, ये जो टंकी है ना, टंकी तक मुल्तान है, टंकी से जो आगे है ना वो शुजाबाद है। हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हो? मुल्तान पहली बार आए। मैं खुद शुजाबाद से पहली बार आया हूँ। मैंने अभी किसी से पूछा कि ना ये मुल्तान कहाँ तक है, उन्होंने कहा ये जो टंकी है ना, टंकी तक मुल्तान है, टंकी, हाँ टंकी से आगे शुजाबाद है सारा। पुराना मुल्तान तो यही है ना, है पुराना इस साइड वाला। अच्छा पुराना, हाँ ये वाली साइड वाले पुराना मुल्तान है, बकाया उस साइड में शुजाबाद शुरू हो गया था। बैक साइड वाला गेट है, ये मस्जिद है। अल्लाह तो ये सीन था किले का, तो दुआ शुआ हमने मांग ली है, अब हम निकल रहे हैं बाहर को, उसके बाद फिर देखो कहाँ जाते हैं। इधर से लेते हैं अब फिर अपनी चप्पलें, शूज़ जो हमने इनको रखवाए थे उनसे लेने के बाद फिर हम निकलेंगे बाहर। इधर आ जाओ, इधर ये रहे शूज़। चाचू चार जोड़े हैं यही वाले। ये शूज आ गए, ये हमारे शूज आ गए, शूज पहन लिए, शूज पहन लिए, निकले अब हम इधर से बाहर। जूता जहाँ उतार के जाए भैया, हमें लेने का मन है। बहरहाल सौ बातों की एक बात, जो मुल्तान का इस टाइम वेदर है ना वो इतना ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। सॉरी क्लास कर बाहर हम आ चुके हैं, बस ये इनकी शॉप है, इधर से सारा आपको हैंडमेड सामान मिलेगा। ये हम निकल चुके हैं बाहर किले से, अभी देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, ये सामने कैंटीन है इसका, मतलब कि फूड स्ट्रीट है इधर, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है। पर जो जो भी मिलेगा वो ले लेंगे और खा लेंगे। कौन सी? हाँ जी, ये सोलर प्लेट पड़ी है, सारा सिस्टम सोलर पे हो गया ना ये वाला। अच्छा तो ये इसकी फूड स्ट्रीट शुरू होगी। ये हज कैंपस का लग रहा है, ये मुझे हज कैंपस का लग रहा है। छह प्लेटें उठा लो ना, यहाँ आज ही ये अपने मतलब की दुकान आई है ना, यहाँ से लेंगे हम मिशन। मैं यहाँ था, हमारे पास गोलगप्पे फ्राइज सारे। भाई एक मरतबा हाथ उठा रहे हैं, बराए मेहरबानी भुट्टा साहब हाथ उठा दो यार, आप भी मौल साहब हाथ उठा दो। चलो बस, क्या पाक फौज जिंदाबाद जी, पंजाब पुलिस। इनका तो अली भाई है ही हमारे, इनका सॉफ्टवेयर आज ताज़ा अपडेट हुआ है। ये है इसका नाइट का व्यू, नाटे बचे हुए हैं फुल टाइम। तो
सीन कुछ ऐसे है कि किले से हम फ्री हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं नीचे यौम यकजहती 25 मई मनाने। ठीक है, तो उसका कुछ ऐसे माहौल है, अभी जाकर दिखाता हूँ मैं कैसा सीन है अंदर। मोहब्बत कब्र पर रखे फूल इनकी महरूमी खत्म कर देते हैं, मगर आज शहीदों की कब्रों पर बरसते पत्थर उनका मान जख्मी कर गए। ये रिश्ता जख्म पूरी जिंदगी इनको महरूमी के साए में रखेगा। शहीदों की बेटियां कौम की मोहब्बत की चादर में रहती हैं। आज मेरी जैनत के सर से कौम ने वो चादर उतार ली, मुझे आना पड़ा, मुझे गिला नहीं है, बस गुजारिश है कि मेरी जैनब बाप के पास अमानत है और हया के रखवाले गैरत वाले। ये मेरा एक दोस्त है काशी मोहाती, शहीद के जनाजे में जाते हैं तो उस जनाजे में यार एक जगह सुना दे इस पे, इस भाई पे कोई एक जगह सुना दे, इस भाई पे एक जगह तो सुना दे यार। सारे भाई उसका मुंह दे ले, लोटा टेढ़ा हो गया। कब्रिस्तान गजब बेइज्जती है। भाई सीन कुछ ऐसे है कि हम पहुंच चुके हैं अपना वापस इंडस्ट्री, अब यहाँ से बाइक उठाएंगे उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।